हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं डिज़ाइन फॉर द फ्लैंज कपलिंग का एग्जांपल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइन अ कास्ट आयरन प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग टू ट्रांसमिट 15 किलोवाट पावर। सो यहाँ पे कितना पावर हमें ट्रांसमिट करना है कपलिंग के थ्रू? 15 किलोवाट एट 900 आरपीएम दिया है यहाँ पे। नाउ from the electric motor to a compressor, the service factor is assumed that 1.35. ये service factor हमें assume करना पड़ेगा whenever we calculate the torque. Factor of safety is 2 and material properties are as follow. जो material property है, yield strength for the shaft, bolt and key is 160 megapascal, 160 newton per mm square, and ultimate strength for the cast iron is 32 megapascal. Okay, so let's start. यहाँ पे given data जो भी आपने अभी मैंने आपको बताया, number of bolt 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। Then a power amount of power to be transmit 2 pi n t upon 60. Okay, तो इससे हमें यहाँ पे torque मिलेगा। Okay, so let's find torque. तो यहाँ पे torque हमने find किया ये equation से, P इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60। हमारे पास n है, पावर अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिट वो है, ठीक है। सो न्यूटन इंटू मीटर, देन यहाँ पे जो फैक्टर दिया था वो फैक्टर हमें कंसिडर करना है 1.35। ओके, जो यहाँ पे सर्विस फैक्टर दिया था तो उससे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम टॉर्क। ओके, सो मैक्सिमम टॉर्क इज 214 × 0.85 × 10³ न्यूटन इंटू mm. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक फिगर बताना चाहूँगा, फ्लैंज कपलिंग की ये फिगर है। सो यहाँ पे हमें जो जो डायमेंशन फाइंड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये शाफ्ट है, उसके बाद ये आपको की दिख रही है। ओके, तो की के डायमेंशन फाइंड करने हैं, शाफ्ट का डायमेंशन फाइंड करना है, फिर ये जो डी है डायमीटर ऑफ दी बॉस या तो हब, ये हब का डायमीटर हमें फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल्ट डायमीटर भी होगा, ये जो है थिकनेस ऑफ दी फ्लैंज, इतना जो पोर्शन है उसको हम फ्लैंज बोलेंगे, इतना पोर्शन फ्लैंज है, और ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का वो है प्रोटेक्टिंग कवर। ओके, उसके बाद यहाँ पे D1 जो है वो पिच सर्कल, यहाँ मीनिंग उसका मतलब है ये जो सेंटर है बोल्ट का, उससे नेक्स्ट बोल्ट का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस D1, और जो D2 है वो है फ्लैंज आउटर डायामीटर। तो फ्रेंड्स हमें इतने जो डायमेंशंस है वो फाइंड आउट करना है वन बाय वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम स्ट्रेस जो दिया है उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। ओके, सो सिग्मा टी इज 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ हमें दी है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, सो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वंस वी फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस देन वी हैव टू एज्यूम शियर स्ट्रेस इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस जो मिलेगा वो टेंसाइल स्ट्रेस से हाफ मिलेगा। ओके, ये एज्यूम है और ये कोई भी मटेरियल में ये लागू होता है कि जो सिग्मा टी और टाउ का जो वैल्यू होता है वो जनरली ये टाउ से डबल होता है सिग्मा टी, या तो जो टाउ है वो सिग्मा टी से हाफ होता है। ओके, देन सिग्मा सी इज इक्वल टू 1.2 सिग्मा टी। तो यहाँ पे सिग्मा सी हमने एज्यूम किया और टाउ हमने एज्यूम किया है, सिग्मा टी यहाँ पे दिया हुआ है। सेम वे अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द फ्लैंज, मतलब फ्लैंज का टेंस कास्ट आयरन का जो यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया था 32/2 इज इक्वल टू 16। ओके, सो नाउ उसका शियर स्ट्रेस हमने यहाँ पे एज्यूम किया है 0.5 सिग्मा टी, तो उसका शियर स्ट्रेस 8 होगा। ओके, तो ये जो हमने ये फर्स्ट पोर्शन था वो जनरली सिग्मा टी, सिग्मा सी एंड टाउ हमने फाइंड किया है। उसके बाद सेकंड जो है, यहाँ से डायमेंशन स्टार्ट होता है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। तो डिज़ाइन शाफ्ट की डिज़ाइन में फ्रेंड्स क्या होता है? ओनली डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट। तो उसके लिए ये, अगर आपने शाफ्ट की डिज़ाइन पढ़ी हो तो उसमें ये शियर स्ट्रेस का यहाँ पे इक्वेशन था। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16 टाउ मैक्स अपॉन पाई डी क्यूब। तो यहाँ पे टाउ मैक्स हमारे पास है, सो टी मैक्स भी हमारे पास है, और डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो डायमीटर वी कैन फाइंड बाय दिस इक्वेशन। ओके, इसे बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का इक्वेशन। ओके, जो अगर आपने शाफ्ट की डिज़ाइन ना देखी हो तो ये देख लीजिए, उसमें ये इक्वेशन हमने डिराइव करके
सॉल्व किया था. ओके, नाउ सेकंड थिंग, डिज़ाइन फॉर द की. तो यहाँ पे कोई की पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं दिया, इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर की एज्यूम किया. ठीक है, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं दिया था, इसीलिए हमने स्क्वायर की एज्यूम की है. तो स्क्वायर की में जो विड्थ और जो हाइट होती है वो एजम्पशन होता है उसका डी बाय फोर. ओके, डी क्या है? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. तो डी बाय फोर मतलब फोर टाइम्स ऑफ द शाफ्ट डायमीटर. सो 32 बाय फोर इज इक्वल टू 8. और जो एल है, लेंथ ऑफ द की, इट इज़ जनरली 1.5 डी. फ्रेंड्स, ये जो सब एजम्पशन है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो एल इज इक्वल टू 1.5 डी. जो की लेंथ है वो जनरली 1.5 टाइम्स डी होती है. ठीक है, सो 48 mm हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. ओके, देन क्रशिंग ऑफ द की, मतलब कि जो की होगी उसमें कौन कौन से स्ट्रेस लगने वाले हैं. तो उसमें दो स्ट्रेस लगते हैं, एक तो है क्रशिंग स्ट्रेस और दूसरा है शीयर स्ट्रेस. वो की डिज़ाइन में हमने देखा था, इंडिविजुअल डिज़ाइन जो हमने की है उसमें हमने देखा था. तो जो क्रशिंग स्ट्रेस है, ठीक है, उसका जो इक्वेशन है वो ये रहा, सिग्मा सी इज इक्वल टू 4 टी मैक्स अपॉन डी एच एल. ठीक है, और जो टाउ का जो एग्जांपल है, शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 2 इंटू टी मैक्स अपॉन डी डब्ल्यू एल. ठीक है, ये क्रशिंग स्ट्रेस और ये शीयर स्ट्रेस, दोनों के यहाँ पे इक्वेशन मैंने रख दिए हैं. और उसमें जो वैल्यू मैं अगर रखूँगा तो मुझे दोनों में लेंथ मिलेगी. तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू 34.97 और यहाँ पे भी सेम लेंथ मिलेगी मुझे 35. लेकिन लेकिन फ्रेंड्स, आगे जो हमने एजम्पशन किया था L इज इक्वल टू 1.5 डी, उसमें हमें लेंथ ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए हम वो कंसिडर करने वाले हैं. ठीक है, सो L इज इक्वल टू 48 mm. फाइनली वी कंसिडर दिस. ओके, नाउ डिज़ाइन ऑफ हब. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो डायमीटर है ना, ये और या तो ये डायमीटर, ये आउटर जो है, अब हम ये डायमीटर फाइंड करेंगे. सो आउटर डायमीटर ऑफ द हब इज 2D, मतलब कि 64. ठीक है, ये जो है ना वो 2 टाइम्स दिस डायमीटर, ये डायमीटर है उसके डबल ये होगा. सो 64 mm हमने यहाँ पे ले लिया है डी. अब ये जो पोर्शन है उसमें क्या लगेगा? शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा. तो अगेन यही इक्वेशन आएगा, शाफ्ट का जो इक्वेशन था यही आएगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल डी और ये जो है स्मॉल डी. तो कैपिटल डी और स्मॉल डी की वजह से यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस का इक्वेशन है वो ये बन रहा है, 16 T max अपॉन पाई डी क्यूब 1 - K^4. और जो के है वो है ये डी माइनस डी अपॉन टी. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट देख लीजिए. उसमें जो हॉलो शाफ्ट है उसकी डिज़ाइन का जो शियर स्ट्रेस का इक्वेशन है वो ये रहेगा. ठीक है, तो इससे हमें शियर स्ट्रेस मिलने वाला है. ठीक है, ये इक्वेशन से हमें क्या मिलने वाला है? शियर स्ट्रेस. और जो शियर स्ट्रेस हमें मिल रहा है वो जो दिया हुआ है, या तो हमने जो ऊपर जो फाइंड किया उससे कम है. ठीक है, जो 8 हमने फाइंड किया था उससे ये शियर स्ट्रेस कम है. उसका मतलब है हमारा हब है वो सेफ है अगेंस्ट शियर फेलियर. ओके ओके, देन डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज. अब फ्लेंज की डिज़ाइन में क्या होगा? ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज एंड थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिंग कवर, ये दोनों आएगा. ठीक है, डायमेंशन. सो थिकनेस ऑफ द फ्लेंज इज 0.5 डी. सो TF इज इक्वल टू 16 एंड थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्लेंज इज 0.25 डी, मतलब TP इज 8 mm. ओके, सो डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज में ये दोनों डायमेंशन हमने फाइंड कर दिए, TF एंड TP. अब जो D1 है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट सर्कल, इट इज़ एज्यूम दैट D1 इज इक्वल टू 3D, 3 टाइम्स डायामीटर. यहाँ पे ये जो D1 है वो होगा 3 टाइम्स डायामीटर. ओके, और जो D2 है, D2 होगा 4 टाइम्स डायामीटर. ठीक है, ये सब एजम्पशन है और आपको याद रखना है. सो D1 इज 3 टाइम्स डायामीटर एंड D2 इज 4 टाइम डायामीटर. सो 96 और यहाँ पे जो होता है वो 128. और दूसरा फ्रेंड्स, एक जो है वो है D3, डायामीटर ऑफ द फ्लेंज रिसेस, जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है. ठीक है, यहाँ पे एक फ्लेंज का जो एक फ्लेंज रिसेस होता है, ठीक है, उसका यहाँ पे डायामीटर रहेगा यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, D3 ये रहेगा D3.
सो डी थ्री जो है वो 1.1 डी होना चाहिए, डी से थोड़ा ही ज़्यादा रहेगा। सो यहाँ पे डी थ्री जो है हमने फाइंड किया वो है 1.1 डी यानी 71 mm। ओके सो फाइनली थिकनेस ऑफ फ्लेंच, प्रोटेक्टिव फ्लेंच एंड डी वन डी टू एंड डी थ्री हमने फाइंड किया। उसके बाद फ्लेंच में जो स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, शियर स्ट्रेस, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एट द फ्लेंच जंक्शन विथ हब, यानी मैं आपको बता दूँ कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, ये पोर्शन पे जो शियर स्ट्रेस लगने वाला है पूरे सरकमफ्रेंस में, वो हमें फाइंड करना है। सो पूरे सरकमफ्रेंस में जैसे मैंने बताया पाई डी, ठीक है, एंड टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंच, और यहाँ पे टी मैक्स अपॉन डी बाई टू, यानी यहाँ पे डी बाई टू इतना डिस्टेंस हमें लेना है, डी बाई टू। ओके ओके, और ये डिस्टेंस है पाई डी, पूरा सरकमफ्रेंस आएगा, ओके, इनटू टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंच। ओके सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द शियर स्ट्रेस फॉर द फ्लेंच विच इज़ लेस देन 8, सो इट इज़ सेफ, फ्लेंच इज सेफ अगेंस्ट द शियर फेलियर। ओके नाउ नेक्स्ट इज डिज़ाइन ऑफ द बोल्ट, लास्ट वन इज डिज़ाइन ऑफ द बोल्ट। अब बोल्ट की हमें डिज़ाइन करनी है, तो जो बोल्ट है, ठीक है, तो सेम यहाँ पे जैसे टी मैक्स अपॉन डी वन बाय टू जो शियर स्ट्रेस लगने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे फिगर से ज़्यादा पता चलेगा ये पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है डी वन, सो यहाँ पे डी वन बाई टू हमने लिया था, टी मैक्स अपॉन डी वन बाई टू, टी मैक्स अपॉन डी वन बाई टू इंटू एन नंबर ऑफ बोल्ट पाई बाय फोर डी बी स्क्वेयर। ओके सो फाइनली इसको अगर फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 टी मैक्स अपॉन एन पाई डी वन डी बी स्क्वेयर, तो इसमें हमें डी बी मिलेगा, डायमीटर ऑफ द बोल्ट वी कैन फाइंड डी बी बाय दिस वे। ओके और ये शियर स्ट्रेस लग रहा है। ओके नेक्स्ट क्रशिंग स्ट्रेस, तो क्रशिंग स्ट्रेस जो लगेगा उसमें कहाँ पे लगेगा, जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो बोल्ट है उसमें क्रशिंग स्ट्रेस लगने वाला है, यहाँ पे ये पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस लगने वाला है, ठीक है। सो उसके लिए ये इक्वेशन है, क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट टी मैक्स अपॉन डी वन बाई टू एंड डी बी इंटू टी एफ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया है, डी बी इंटू टी एफ, ठीक है। सो उससे ये इक्वेशन बनेगा, टू टी मैक्स अपॉन ये टी है, टाउ नहीं है, टी है, ओके, मैक्सिमम टॉर्क, सो एंड डी वन डी बी टी एफ। ओके सो ये इक्वेशन से हमें सिग्मा सी मिलेगा विच इज़ लेस देन 80, सो बोल्ट इज सेफ अगेंस्ट दी क्रशिंग फेलियर। ओके सो इस तरह से हम पूरी डिज़ाइन कर सकते हैं फ्लेंच कपलिंग की। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है नॉर्मल जो स्ट्रेसिस है, सिग्मा टी, सिग्मा सी, टाउ, ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ द शाफ्ट, उसमें हमें डायमीटर फाइंड करना है। थर्ड डिज़ाइन ऑफ द की, उसमें हमें डब्ल्यू एच एंड एल फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ द हब, तो उसमें हमें डी फाइंड करना है, एंड डिज़ाइन ऑफ द फ्लेंच, डिज़ाइन ऑफ द फ्लेंच में हमें टी एफ टी पी डी वन डी टू एंड डी थ्री फाइंड करना है। उसके बाद उसको शियर स्ट्रेस एंड क्रशिंग स्ट्रेस भी उसका शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। देन डिज़ाइन ऑफ द बोल्ट, उसमें हमें डायमीटर ऑफ द बोल्ट फाइंड करना है, एंड क्रशिंग और शियर स्ट्रेस, उसमें क्रशिंग स्ट्रेस, सॉरी, उसमें हमें क्रशिंग स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई करके ये सेफ है कि नहीं वो बताना है, ठीक है। सो इस तरह से पूरी डिज़ाइन ऑफ फ्लेंच हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।